गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आई क्लासेस क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लासेस में एनीलिडा फाइलम की। किस फाइलम की? एनीलिडा फाइलम की, ठीक है। देखिए इस फाइलम में हम क्या बात करें, देखिए ये जो फाइलम है ना हमारा एक इम्पोर्टेंट फाइलम है, ठीक है। इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो मेराइन और एक्वेटिक दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो मेराइन भी होते हैं ठीक है, और एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेराइन तो एक्वेटिक तो होंगे ही, सॉरी बल्कि फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर अधिकतर जो भी एनिमल होते हैं वो मेराइन एक्वेटिक ही होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ जानवर है तो पानी में, ये कुछ इस पर जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें अधिकतर इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। इसमें हार्मफुल और यूजफुल दोनों होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। हार्मफुल और यूजफुल दोनों होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है। एनिमल क्या होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। इसके बाद हम हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। देखिए सम जो होते हैं ना कुछ एनिमल्स इसका, वो कहाँ होते हैं? दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो भी दूसरे एनिमल्स के किस पे? ब्लड पे। किस पे? मतलब कि इसमें अधिकतर जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं? ब्लड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्लड। जैसे कि हम लोग का ही ब्लड ले लीजिए, इसके जो एग्जांपल है वो किसका ब्लड यूज करते हैं? किसी दूसरे जानवर का, ठीक है। कुछ एनिमल जो होते हैं वो रेनी सीजन में पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? रेनी सीजन में, ठीक है। कुछ एनिमल्स कब पाए जाते हैं? रेनी सीजन में, ठीक है। देखिए कुछ एनिमल्स हमारे लिए इतने यूजफुल होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, हमारे सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। वो सभी एनिमल कहाँ होते हैं? इसी फाइलम में होते हैं, ठीक है। इसलिए उस एनिमल को जिसका नाम है अर्थवर्म, जिसका नाम क्या है? अर्थवर्म, ठीक है। तो उस एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? फ्रेंड्स। हमारा वो फ्रेंड ऑफ फार्मर, वो किसका दोस्त कहलाता है? किसानों का दोस्त कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल करता है। किसको फर्टाइल कर रहा है? सॉइल को फर्टाइल करता है। कौन फर्टाइल करता है भाई? तो फर्टाइल कहता है अर्थवर्म। कौन फर्टाइल करता है? अर्थवर्म, ठीक है, जिसको कि प्रेथिमा पोस्टिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है प्रेथिमा पोस्टिमा, ठीक है। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है। बॉडी जो होता है फाइलम एनिमल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। मेल फ्लेम का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है ना, तो चलिए हम बात कर रहे थे अर्थवर्म की, ठीक है। तो अर्थवर्म में हम आपको बताते हैं, इसका जो मेल और फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन जो होता है ना, पाया जाता है एक ही में। मेल का भी जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल का भी जेनाइटल ऑर्गन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, एक ही बॉडी में पाया जाता है। एनिमल्स जो होते हैं ना वो डेवलप करते हैं किसके द्वारा? एक के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप करते हैं? एक के द्वारा, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल के। इसका पहला एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। उसके बाद है लीच, उसके बाद एक ठेंगी नाम का आता है वो, ठीक है। तो आइए इसके एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है ये अर्थवर्म है। ये क्या है? ये अर्थवर्म है, ठीक है। क्या है ये? अर्थवर्म। आइए हम आपको दिखाते हैं अर्थवर्म। ये देखिए ये प्रेमास्टियम है, ठीक है। यहाँ पे ये माउथ हो गया, ये इसका सीटा हो गया, ये इसका मोल
मेल पोल होता है, ठीक है, और फीमेल जो होता है ना ईस्ट साइड होता है फीमेल, ठीक है, ये सेरेटियम होता है। इसके शरीर में कुछ नहीं पाया जाता है, समझ तो कुछ नहीं, आँख भी नहीं होता है इसका, ठीक है, यानी कि आई भी नहीं होते, ठीक है। बॉडी स्किन इसका बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, मिट्टी खाता है। और इसके जो बॉडी के ऊपर ये सेगमेंट है ना, एक लाइन बना हुआ है सेगमेंट, ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर जो ये सेगमेंट बना हुआ है, यही सेगमेंट के द्वारा जो है ना इसकी पहचान होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो सेगमेंट है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसी के काउंटिंग पे नंबर किया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके 15वें नंबर पे, 14वें या 15वें नंबर पे जो है ना मेल पोल आता है। पीछे से 17वें के आसपास हम कंफर्म ध्यान नहीं है फीमेल पोल आता है, ठीक है, या आगे से 29वें के पास, तो ये इसका एनस है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में फुल डिटेल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद एनिलिडा के बाद हम पढ़ेंगे क्या, फाइलम हम पढ़ेंगे कैनाडोमीटर, फिर ऑटोपोडा, उसके बाद कॉर्डेटा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए थैंक्स और गुड बाय।